नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जैसे ही नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, उनके तीसरे कार्यकाल की शुरुआत हो गई। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वे नेहरू के बाद ऐसा करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं। मोदी के बाद राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा और शिवराज सिंह चौहान समेत 30 मंत्रियों ने केंद्रीय मंत्री पद की शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में न सिर्फ मोदी बल्कि उनके साथ एनडीए के सहयोगी दलों के सांसदों ने भी मंत्री पद की शपथ ली, जिनमें जेडीएस से एचडी कुमार स्वामी, हम से जीतन राम मांझी, टीडीपी से राममोहन नायडू और एलजेपीआर से चिराग पासवान के नाम शामिल हैं। इसके साथ ही स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों की बात करें तो 36 मंत्रियों ने शपथ ली। एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं की बात करें तो उनमें शिवसेना सिंधे गुट से प्रताप राव जाधव, आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी, आरपीआई ए से रामदास आठवले, जेडीयू से रामनाथ ठाकुर, अपना दल एस की सुप्रिया पटेल और टीडीपी सांसद चंद्रशेखर पेमा सानी के नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि एनडीए में बीजेपी के बाद चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी 16 सीटों के साथ दूसरी और नीतीश कुमार की जेडीयू 12 सीटों के साथ तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। दोनों ही दल इस वक्त बीजेपी के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि इनके बिना सरकार का गठन करना मुश्किल था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रविवार की शाम मोदी कैबिनेट के 72 मंत्रियों ने शपथ ली है। मंत्री तो खुश हैं, लेकिन उनके समर्थकों में भी खुशी का माहौल है। देश के अलग अलग हिस्सों से इसी तरह की तस्वीर सामने आई है। जश्न की कुछ तस्वीरें आपको बिजनेस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ২০২৪ के 9 जून की तारीख ने देश के इतिहास के पन्नों में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के आगाज को दर्ज कर लिया। विदेशी मेहमान जगमगाता राष्ट्रपति भवन और सुनहरी शाम को नरेंद्र मोदी ने शाम 7:23 पर तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि इस दौरान राष्ट्रपति भवन मोदी मोदी के नारे से गूंज उठा। दिल्ली में एक तरफ मोदी और उनके मंत्रिमंडल ने शपथ ली कि वो अपने हर काम को पूरी निष्ठा से निभाएंगे, तो दूसरी तरफ देश के हर कोने में जश्न शुरू हो गया। जनता अपने पसंदीदा नेता को शपथ लेते देख झूम उठी। रात में काला आसमान आतिशबाजी के रंगों से जगमगा उठा। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जश्न की खास तस्वीरें सामने आईं। मोदी ने जिस पल पीएम पद की तीसरी बार शपथ ली, तभी से बधाइयों का तांता भी लग गया। देश विदेश से हर बड़ी शख्सियत ने पीएम मोदी को बधाई दी। शपथ ग्रहण से पहले तमाम अटकलों के बीच नीतीश कुमार ने सोशल